हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज जो कि खत्म हो गया, जहां पे 20 टीमों में से 8 टीम ही सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकी है। अब इन 8 टीमों में ही ट्रॉफी की असली जंग होगी। तो आइए बात करते हैं सुपर 8 के दूसरे मैच की, जिसमें दो फॉर्मर वर्ल्ड कप चैंपियन की जंग होगी। एक तरफ जहाँ पे वेस्ट इंडीज है, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड देखने को मिलेंगे। दोनों इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। दोनों के बीच में यह मैच 20 जून को खेला जाएगा। यह मैच संत लुसिया के डैन सैमी नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए, तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 79% रहेगा और टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे डैन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया बैटर्स के अनुकूल मैदान के लिए फेमस है। छोटी बाउंड्री पर रन बनाना ईजी होता है। इस सतह पे फास्ट बॉलर के लिए बहुत कम चांस है, जबकि गेंद को टर्न करने वाले स्पिनर ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। तो आगे बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 162 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 151 है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जहाँ पे वेस्ट इंडीज 6 मैच जीत के आ रही है, तो इंग्लैंड 4 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम वेस्ट इंडीज का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे रॉयन पॉल की टीम ने लगातार 4 जीत के साथ टूर्नामेंट के सुपर 8 में पहुंच गई है। उन्होंने लास्ट गेम में अफगानिस्तान को 104 रन से ही हरा दिया। जिस तरह का परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज दिखा रही है, बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी है। ब्रेंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स जो कि जबरदस्त ओपनिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पर निकोलस पुरन ने लास्ट गेम में 98 रन बनाए, तो अब तक टूर्नामेंट में 164 रन बना चुके हैं। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में बात करेंगे, जो कि साई और कैप्टन पॉवेल से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी, जहाँ पे सरफेन रदरफोर्ड एंडरसन सबसे बिग हिटर है, जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग लाइनअप को मजबूत करते हैं। टीम के पास नंबर 8 तक रोमारियो सैफरेट, अकील हुसैन जैसे बैटर्स है, जो किसी भी बॉलिंग को तहस नहस कर सकते हैं। पहले टीम की बॉलिंग उसकी कमजोरी थी, लेकिन इस बार बॉलर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, जहां पर अल्जारी जोसफ ने 4 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं। लास्ट गेम में ओवेट माइको को चांस मिला था, उन्होंने 3 विकेट लिए। वहीं पे गुदाकेश मोदी जो कि 7 विकेट और अकील होशन 9 विकेट लेकर टॉप स्पिनर है। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ब्रैंडन किंग है, जॉनसन चार्ली, निकोलस पुरन है, साई होप है, रॉबिन पॉवेल है, सरफेन रदरफोर्ड है, एंड्रे रसल है, ओवेट मैककॉय, अल्जारी जोसेफ है, गुदाकेश मोटी, अकील होशन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि ब्रैंडन किंग है, निकोलस पुरन है, एंड्रे रसल है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी इंग्लैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां पे इंग्लैंड को सुपर 8 में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल रहा। टीम को स्कॉटलैंड से कड़ी टक्कर मिली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मेहरबानी से टीम को सुपर 8 में जगह मिली। कप्तान जॉस बटलर फिलिप सॉल्ट के साथ ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे विल जैक के जगह जॉनी ब्रेस्टो को चांस मिला था। नंबर 4 पे जो कि हैरी ब्रुक ने 47 रन बनाए थे। फिनिशिंग में लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली जैसे ऑलराउंडर है। सैम करन को लास्ट मैच में चांस मिला था। बॉलिंग में टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जहां पर जोफ्रा आर्चर ने अब तक सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। वहीं पे मार्क वुड ने भी 3 विकेट लिए हैं, जहां पर क्रिस जॉर्डन, ऋषि टोपले इस पिच पे इफेक्टिव हो सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में आदिल राज ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉस बटलर है, फ्लिप सॉल्ट है, जॉनी ब्रेस्टो है, एडी ब्रूक है, मोइन अली है, लाइम लिविंगस्टोन है, सैम करन है, ऋषि टोपले, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड। वहीं आप बात करते हैं कुछ की प्लेयर देख लेते हैं, जो कि विल जैक है, जॉस बटलर है, जोफ्रा आर्चर है। फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं। टीम कॉन्फिडेंस से भरी होगी, इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड अच्छा है। इस टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज टीम शानदार फॉर्म में भी दिख रही है, लेकिन इंग्लैंड भी बड़े मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, यहाँ भी कुछ भी कर सकती है। इस मैच को जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। अगर दोनों टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों टीम के स्क्वाड स्टैंड को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर वेस्ट इंडीज होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।